हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट जो ट्रिप प्लान कर रहा हूँ वो है वियतनाम का, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वियतनाम के ई वीज़ा के बारे में, जो कि ऑन अराइवल वीज़ा होता था पहले, वो बंद कर दिया गया है। अब आप ई वीज़ा ऑनलाइन उसे फॉर्म को फिल करके और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही मतलब जो वियतनाम का वीज़ा है बहुत ईजिली मिल जाता है। 98-99% वियतनाम का जो वीज़ा है वो मिल जाता है, 2% रिजेक्ट होता है। तो आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, जो ई वीज़ा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको फिल कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है वो है पासपोर्ट, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और जो फोटो आप वहाँ से अपलोड करेंगे उसका साइज जो है 2 MB के अंदर अंदर होना चाहिए, और अगर वो 2 MB से ऊपर है तो वो फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। तो उस फोटो को आप पहले एडिट कर ली, गूगल से एडिट हो जाती है, वहाँ से आप फोटो को एडिट करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो कि वीज़ा फीस है वो है सिर्फ $25, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 2150 रुपये के करीब है। वो आप उसको आप पे करेंगे, और जो इसका प्रोसेस है, जो आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वहाँ मास्टर वीज़ा कार्ड है, वहाँ से पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके कार्ड से नहीं हो रही है तो आप उसको ध्यान रखिए कि अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो आप, जो मेरी भी ऐसी बार बार थी पेमेंट मेरी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, तो जो मेरा जो कार्ड है वो उसको मैंने वहाँ से वो इनेबल नहीं था। आप उसको ऐप पर जाके उसको इंटरनेशनल जो पेमेंट करनी होती है वहाँ से आप उसको अपनी ऐप से इनेबल कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो ये चीज़ मैंने आपसे शेयर कर दी है कि भी ये आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इससे। और फ्रेंड्स, जो वियतनाम का जो वीज़ा है इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रखने हैं। आपको ना तो होटल की बुकिंग दिखानी है, ना फ्लाइट की बुकिंग दिखानी है, आपको कुछ भी नहीं दिखाना। आपने फीस पे करनी है $25 की, और आपका वीज़ा जो है वो आ जाएगा। और फ्रेंड्स, फॉर्म फिल करते वक्त आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ से आपको वियतनाम में एंट्री करनी है और जहाँ से आपको एग्जिट होना है वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे दीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए, जैसे आपको हो ची मिन्ह सिटी में लैंड करना है और कहाँ से यहाँ से आपको जाना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे बिल्कुल सही डालिएगा। अगर आपको वापस हो ची मिन्ह सिटी से ही जाना है तो आप वहीं से डालिए जहाँ से आपको जाना है, इस ऐसे आपको बहुत सुविधा मिलेगी, नहीं तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो ये मेरा वियतनाम का सीरीज है इसमें आप आगे देखेंगे यहाँ की करेंसी के बारे में, यहाँ के हॉस्टल के बारे में, बहुत सस्ते हॉस्टल के बारे में, होटल्स के बारे में, और जो यहाँ की जो मोस्ट जो ब्यूटीफुल जो जगह हैं वो सब के बारे में देखिए आप देखेंगे इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।